सिवान नगर परिषद क्षेत्र के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बड़ी बारीक नज़रों से इंतखाब अहमद को देख रहे हैं, आपको परख रहे हैं, सिवान की जनता भी देख रही है, गली मोहल्ले नुक्कड़ चौराहों पर ये चर्चा है कि आप जो है चुनाव में एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं, क्या लगता है ये जनता का विश्वास आपको कुर्सी पर ले जाएगी क्या? हमको आप चुन के भेजे थे तो हम गए तो आपके 50 करोड़ का घोटाला का पैसा हमने बचाया, बचाने की कोशिश किया। हम नगर परिषद में थे तो हमारे वजह से बहुत सारा घोटाला नहीं हो पाया, बहुत सारा घोटाला जो होना चाहिए था बड़ा तो छोटा करके लोगों ने सिमट लिया, जो कर लिया उस पर हमने लग के FIR किया, जिनका जिन पर FIR हुआ उनका नाम हमने बताया कि जात धर्म की जो बात करे उसको एकदम निगलेक्ट कीजिए, जात की वही बात करता है, धर्म की वही बात करता है जो एकदम कमज़ोर होता है, जो समाज को विकसित नहीं होने देगा, वो एक कलंक आदमी है जो जात की बात करता है, वो कलंक समाज के नाम पर कलंक है, वो जो धर्म की बात करता है वैसे लोग से दूरी बनाइए, जो साफ छवि के हो, जो साफ जिसमें उम्मीद हो कि विकास कर सकता है उसको चुनिए आप, हम ये अपील करें जनता से। प्रत्याशी एक दूसरे ऊपर जो है छींटाकशी कर रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं, चुनाव 2 दिन शेष है, इस बात को कैसे देख? ये गलत बात है, उसकी सोच है वो, एक दूसरे पर छींटाकशी क्या करना है इसमें, जनता सब कुछ जानती है, आपका विजन बताइए ना, आप करना क्या चाहते हैं, आपने किया क्या है ये बताइए, क्या क्या है आपने, आगे जीत कर आएंगे तो करेंगे क्या ये बताना चाहिए। गली नुक्कड़ चौराहों पर लोग एक खास प्रत्याशी हैं, उनका भी नाम ले रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा इंतखाब का जो एक ट्रेडिशनल वोट है उसको वो काट रहे हैं, आपको लग रहा है इसको क्या आपका वोट कट रहा है? देखिए हम ये डर है, आप कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, कोई ऐसा दिल में कहीं नहीं है, किसी से हमको डर नहीं है, किसी से कुछ नहीं है, हम काम किए हर जाति जमात से, हर जात से, हर धर्म से वोट मांग रहे हैं, हर धर्म के लोग हमारे जात के लोग हमारे साथ हैं, कहीं 1% सोचने वाली बात नहीं है कि कौन वोट काटेगा, देखिएगा कोई वोट नहीं कटेगा, जो 1-2 आदमी में लड़ाई रहेगा वो स्टेट लड़ाई रहेगा, बाकी वोट कटवा जो रहेंगे उसको देख लीजिए उठा कितना मिलता है उनको, नेता हम नेता नहीं है, सच पूछिए तो हम नेता नहीं है, नेता वाली गुण हमारे नहीं है, छल कपट वाली जो है ऊपर खुला हुआ है, जो करते हैं बोलते हैं, कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, सीधा सोचते हैं हम, ये स्टेट लड़ाई यही है, क्या विकास के साथ रहते हैं या आप भ्रष्टाचार मिटाने वाले के साथ रहते हैं या भ्रष्टाचारी के साथ रहते हैं, फैसला जनता को करना है। नगर परिषद सिवान को लेकर के आप खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं, प्रत्याशियों का अपना अपना जो तरीका है चुनाव प्रचार का, बहुत सारा शोर और बहुत सारा जो है तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, ये चुनावी शोर आज से ठीक 2 दिन बाद जो है थम जाएगा, लेकिन हम एक ऐसे नाम की चर्चा कर रहे हैं, हम एक ऐसी शख्सियत के पास हैं जो इस शोर से कहीं ना कहीं अलहदा नज़र आते हैं। इंतखाब साहब, जो एक चुनावी शोर है वो बड़ा तेज़ हो रहा है और उस भीड़ से कहीं ना कहीं आप अलग दिख रहे हैं, आप में बहुत ज़्यादा शोर नहीं है। इसलिए कि हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, ज़मीन का चाहे लूट का चाहे ऐसा भी गलत पैसा मेरे पास नहीं है, ये जनता चुनाव लड़ा रही है और जनता चुनाव लड़ रही है तो जाहिर सा सुर कहाँ से होगा। अच्छा, नगर परिषद चुनाव आज ये पूरा का पूरा 2 महीने से जो है तरह तरह का जो है नाटकीयता इसमें आ रही है, अब जबकि 2 दिन रह गए हैं तो इसमें हिंदू मुसलमान एंगल भी ऐड हो गया है, कई प्रत्याशी हिंदू मुसलमान एंगल ऐड कर रहे हैं और कई प्रत्याशी जो है तरह तरह का एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं, इंतखाब अहमद अकेले खड़े हैं इन चीज़ों से और इंतखाब अहमद विकास की बात कर रहे हैं, इस बात को किस ढंग से लेते हैं? देखिए, हारने वाला कैंडिडेट जब भी होगा वो हिंदू मुसलमान करेगा, हारने वाला कैंडिडेट, इसलिए उसके पास कोई काम नहीं किया है, वो कुछ बताने के लिए जनता के बीच में नहीं है, और मान लो हमको पार्षदे बने तो हम कुछ काम करते तब ना बता देंगे उसको, जो काम नहीं करता है वही जात पात का बात करता है, वही धर्म की बात करता है, हिंदू मुसलमान की बात करता है, और जो काम किया है तो वो काम की बात करेगा, हमने कुछ किया है तो काम की बात करेंगे, विकास किया है तो विकास की बात करेंगे, हम आगे भी करेंगे, लेकिन जो नहीं किया तो वो क्या करेगा, उसका एक ही हथकंडा है हिंदू मुसलमान करने के पास, हिंदू मुसलमान ही चुनाव लड़ा रहा है तो वो क्या करेगा, वो विकास की बात करेगा, हम लोगों के साथ हिंदू मुसलमान सब साथ हैं, इसलिए हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद कैसे बने। प्रत्याशी एक दूसरे ऊपर जो है छींटाकशी कर रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं, चुनाव 2 दिन शेष है,
इस बात को कैसे देख? ये गलत बात है, उसकी सोच है वो। एक दूसरे पर छींटाकशी क्या करना है इसमें? जनता सब कुछ जानती है। आपका विजन बताइए ना, आप करना क्या चाहते हैं, आपने किया क्या है ये बताइए। किया क्या है आपने? आगे जीत कर आएंगे तो करेंगे क्या, ये बताना चाहिए। सिवान नगर परिषद क्षेत्र के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बड़ी बारीक नज़रों से इंतखाब अहमद को देख रहे हैं, आपको परख रहे हैं, सिवान की जनता भी देख रही है। गली मोहल्ले नुक्कड़ चौराहों पर ये चर्चा है कि आप जो है चुनाव में एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं। क्या लगता है ये जनता का विश्वास आपको कुर्सी पर ले जाएगी क्या? देखिए, जहाँ हम घूम रहे हैं, जैसे प्यार स्नेह जनता का मिल रहा है, हर जाति हर धर्म का हर समाज के, इसलिए हम लोग जमात के या समाज के साथ चलने वाले लोग हैं। इसी का देन है कि हम, मान लो पत्नी भी निर्विरोध हुई, चाहे विकास किया, चाहे पुराने पूरा मतलब कि हमेशा 50 वर्षों से वार्ड का जो क्षेत्र जो है ये हमारे साथ है, वार्ड की जनता हमारे साथ है, अनिर्वाचित करते आई है। इसका ये प्रमाण है कि हिंदू मुसलमान हर जाति धर्म के लोग हमारे साथ हैं, समाज हमारे साथ है, तो निश्चित तौर पर यही एक प्रमाण है। अच्छा, प्रत्याशी हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं, आपकी क्या समझ है? अरे प्रत्याशी, हम से बोले शुरू में बोले कि जो प्रत्याशी चुनाव हारता है, जनता के पास कुछ बताने के लिए कुछ नहीं होता है, तो जनते गुमराह, मतलब जनता गुमराह करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान करके। लेकिन जनता का जो एक वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग, वो मोबिलाइज भी होता है, उसका ध्रुवीकरण भी होता है। इस अगर ऐसा नेता किसी नेता की तरफ से इस तरह के बयान जो आते हैं, तो ये बात आपको कहीं ना कहीं नुकसान कर सकती है क्या? इंतखाब अहमद को डर है इस बात का कि लोग मोबिलाइज कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम पूरे 4500 वार्ड में घूम रहे हैं, एक ही बात है कि भ्रष्टाचार को कैसे मुक्त किया जाए। जो नया 18 गाँव जुटे हैं वो लोग इस बात से चिंतित हैं कि अब पहली बार नगर परिषद में हम आए हैं यहाँ पर, तो निश्चित हो जाए इतना भ्रष्टाचार नगर परिषद में है, तो हम 18 गांव वालों को, हम लोगों क्या होगा, कैसे विकास होगा? क्या हमारे पैसे गलत आदमी आके खा तो जाएगा, फिर लूट लेगा? क्या हमारा होल्डिंग टैक्स सही लगेगा? क्या हमारा गली नली बनेगा कि नहीं बनेगा? उनका सबसे चिंता है कि सही साफ छवि के लोगों को लाना, जो 18 गाँव है उनका। आज सीमांत की जनता जो है, बाकी वार्ड ये सब जानती है, सब त्राहिमाम में भ्रष्टाचार से, कोई ऐसा वार्ड नहीं जहाँ भ्रष्टाचार का भेंट नहीं चढ़ा। आप देख लीजिए झगड़ा की मसले, मलेसी चौक तक का रोड देखिए, हमको लगता है कि साल में दूसरी बार, दो बार बन रहा है, तीन बार, कैसे बनना चाहिए ये? क्या है ये रोड टूट गया अगर, तो कम से कम 3 साल का ठेकेदार को उसको मेंटेनेंस करना है, 10% सिक्योरिटी मनी जमा होता है, 3 साल बाद ही मिलता है। क्या उसका सिक्योरिटी मनी जब्त हुआ है, फिर उसको टेंडर कर दिया गया, क्या किसी को काम दे दिया गया? ये क्या है, ये भ्रष्टाचार है? 1 साल में क्यों 15 लाख 20 लाख रुपये खर्च होगा? जिस ठेकेदार को मिला है काम, कम से कम उसको 3 साल मेंटेनेंस करना है, रखना है उसको। आज दूसरे साल में क्यों बन रहा है, 21 साल के अंदर क्यों बन रहा है वो? तो हमको लगा 2 साल में वो 3 बार रोड बनाया वो, अभी देखिए काम लगा हुआ है। ठीक, क्या ये भ्रष्टाचार है? ये कमीशन के लोग करा देता है लोग काम, ये पूछने वाला कोई नहीं है। इस चीज़ का एक नियम होना चाहिए, एक रोड बनता है तो 3 साल आपको मेंटेनेंस देना होगा, नहीं तो 10% जो सिक्योरिटी मनी आपको जमा है उससे हिसाब मेंटेनेंस नगर परिषद कराए। लेकिन यहाँ क्या होता है नगर परिषद में कि 10% सिक्योरिटी मनी 3 महीने में दे देता है लोग कमीशन लेकर। इस चीज़ को रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर कोई विकास नहीं होगा। गली नुक्कड़ चौराहों पर लोग एक खास प्रत्याशी हैं, उनका भी नाम ले रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा इंतखाब का जो एक ट्रेडिशनल वोट है उसको वो काट रहे हैं। आपको लग रहा है इसको क्या आपका वोट कट रहा है? देखिए, हम ये डर है, आप कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, कोई ऐसा दिल में कहीं नहीं कहीं किसी से हमको डर नहीं है, किसी से कुछ नहीं है। हम काम किए हर जाति जमात से, हर जात से, हर धर्म से वोट मांग रहे हैं। हर धर्म के लोग हमारे जात के लोग हमारे साथ हैं, कहीं 1% सोचने वाली बात नहीं है कि कौन वोट काटेगा। देखिएगा, कोई वोट नहीं कटेगा, जो 1-2 आदमी में लड़ाई रहेगा वो स्टेट लड़ाई रहेगा, बाकी वोट कटवा जो रहेंगे उसको देख लीजिए उठा कितना मिलता है उनको। कोई जनता वोट को बर्बाद नहीं करेगी, इसलिए विकास के साथ रहेगी या विकास विनाश के साथ रहेगी, ये स्टेट लड़ाई यही है। क्या विकास के साथ रहते हैं या आप भ्रष्टाचार मिटाने वाले के साथ रहते हैं या भ्रष्टाचारी के साथ रहते हैं, फैसला जनता को करना है, कहीं दूसरा नहीं है, दो ही धुरी है। जनता भ्रष्टाचारी के साथ जाएगी, आपकी जो भ्रष्टाचार की जो परिभाषा है? हमको नहीं लगता, जो समझ बूझ वाली जनता है, जो जागरूक जनता है, कोई भ्रष्टाचारी के साथ जाएगी? हम तो घूम रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कभी नहीं जा सकती है वो, लग रहा है एकदम लग रहा है, निश्चित लग रहा है जनता एकदम सही डिसीजन लेगी
जीत को लेकर के इंतखाब अहमद के अंदर कितना आत्मविश्वास है? 100% है कि जीतेंगे, जनता मेरे साथ है, इसलिए कि हर जाति धर्म का है। और लोगों का साथ देखिए आप, उनके पास वो जात में घूम रहे हैं, जात के नेता बने हुए हैं लोग, हमारे साथ जात वाली बात नहीं, हम जमात वाले लोग हैं। आपने एक घोष एक अपील जारी किया है एक हैंडबिल के माध्यम से, जो उसमें आपने दो प्रत्याशियों का नाम का उल्लेख किया है, एक बबलू चौहान, चूंकि सार्वजनिक तौर पर आपने वो पर्ची जारी की इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ, दूसरा अनुराधा गुप्ता। ये दोनों लोग प्रत्याशी हैं सिवान नगर परिषद के चेयरमैन की, और अनुराधा गुप्ता के बारे में आपने ये भी लिखा है उसमें कि उन्होंने आपको जो है तरह तरह से परेशान किया। ये कहीं आप माइलेज तो नहीं लेना चाहते? देखिए, वो आप जिसको अपील बोलते हैं ना, हम उसको जनता के सामने अपना हिसाब दे रहे हैं, हम कि हम जब पार्षद थे जब से आज तक अध्यक्ष चुनाव हो रहा है, 4500 वार्ड में हो रहा है, पहले वार्ड कमिश्नर थे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़े हम उसका हिसाब जनता को दिए हैं, कि हमने जनता को हिसाब ही दिया है भाई 15 साल से हम नगर परिषद में हैं, 2 बार पार्षद रहे, 1 बार मां रहे, तो हम क्या किए RTI एक्टिविस्ट बनकर नगर परिषद में जाकर हमने किया क्या है, वो जनता को हिसाब दिए हैं। भले इसको कोई अन्यथा अपने दूसरे सेंस में कुछ और सोचे ये अलग बात है, लेकिन हमने जनता को हिसाब दिया भाई कि हमको आप चुन के भेजे थे तो हम गए तो आपके 50 करोड़ का घोटाला का पैसा हमने बचाया, बचाने की कोशिश किया, हम नगर परिषद में थे तो हमारे वजह से बहुत सारा घोटाला नहीं हो पाया, बहुत सारा घोटाला जो होना चाहिए बड़ा तो छोटा करके लोगों ने सिमट लिया, जो कर लिया उस पर हमने लग के FIR किया, जिनका जिन पर FIR हुआ उनका नाम हमने बताया। कई लोग कहते हैं कि ईमानदार, इतना ईमानदार ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपको कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका परवाह मत कीजिए, इसका परवाह बेकार रही है, हम सच पूछिए तो हम अपनी बात, हम नेता नहीं, लोग ही बता नेता, हम नेता नहीं है, सच पूछिए तो हम नेता नहीं है, नेता वाली गुण हमारे में नहीं है, छल कपट वाली जो है ऊपर खुला हुआ है, जो करते हैं बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, सीधा सोचते हैं हम। कई लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि आपकी माताजी नजमा खातून प्रत्याशी हैं, फील्ड में नज़र नहीं आ रही हैं, वो उनको कई लोग बोल रहे हैं कि उनको लोग देखा भी नहीं है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, आप मान लें कि सब लोग घूमता है, ऐसा थोड़ी है, मेरे पिताजी भी घूम रहे हैं, जितने लोग हैं मेरे समर्थक है, भाई भतीजा चाहे जो भी मेरे मोहल्ले के सब समर्थक हैं, सब लोग घूम रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि अब आप हर आदमी से मीडिया में आप लेते रहिए, फोटो लेते रहिए, आप जिसको जहाँ सहूलियत हो रही है घूम रहा है, हम चर्चित हैं इस वजह से हमको ज़्यादा पकड़ रहे हैं लोग। आप लोग क्या अपील करेंगे लोगों से? जनता से यही अपील करेंगे, चाहे वार्ड के इलेक्शन हो, चाहे उपाध्यक्ष का इलेक्शन हो, चाहे अध्यक्ष का इलेक्शन हो, मुख्य पार्षद का हो, आप जात पात धर्म से ऊपर उठकर सिवान के विकास के लिए, नगर परिषद का भ्रष्टाचार मिटाने के लिए साफ सुथरे छवि समाज सेवी आपको चुनिए, आप 28 तारीख को वोट दीजिए, ऐसे लोगों को चुन के भेजिए, और जो लोग नगर परिषद भ्रष्टाचार खत्म करें उनको सोचिए, आप उनके बारे में ज़्यादा सोचिए, न कि जात जमात के बारे में सोचिए, आप धर्म के बारे में कह रहे हैं कि समाज सेवी आदमी को चुनिए, समाज सेवी तो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं इस चुनाव में, वो अलग चीज़ है, वो टर्म अलग है, वो क्या है वो उसका बात अलग है, जनता सब जानती है कि असल समाज सेवी कौन है, वैसे समाज सेवी कौन, समाज सेवी तो जनता सब जानती है, जनता सब जानती है, जनता कौन समाज सेवी है, कौन क्या है, कोई छिपा हुआ नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों को वार्ड में चुनिए, चाहे उपाध्यक्ष चुनिए, चाहे अध्यक्ष चुनिए, हम आज भी अनुरोध करते हैं कि जात धर्म की जो बात करे उसको एकदम निग्लेक्ट कीजिए, जात की वही बात करता है, धर्म की वही बात करता है जो एकदम कमज़ोर होता है, जो समाज को विकसित नहीं होने देगा, वो एक कलंक आदमी है जो जात की बात करता है, वो कलंक समाज के नाम पर कलंक है, वो जो धर्म की बात करता है, वैसे लोगों से दूरी बनाइए, जो साफ छवि के हो, जो साफ जिसमें उम्मीद हो कि विकास कर सकता है उसको चुनिए आप, हम ये अपील करेंगे जनता। इंतखाब जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत।